वापस सभागार में है, परदेश वाली जो वही है। नहीं नहीं यही है। हाँ देखिए, अभी की सबसे बड़ी खबर है कि हम राजद दफ्तर के बाहर खड़े हैं और अभी अभी तेज प्रताप यादव राजद दफ्तर में पहुंचे हैं। राजद दफ्तर में अचानक से तेज प्रताप यादव अपने एकदम सुरक्षा बल के साथ पहुंचते हैं और अचानक सीधा राजद दफ्तर में पहुंचते के साथ घुसते हैं प्रदेश अध्यक्ष के चैम्बर में और वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिखते हैं। देखिए किस तरह से तेज प्रताप यादव आते हैं और सीधा जगदानंद को तलाश कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे तेज प्रताप यादव, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। थोड़ा साइड हो जाए। अच्छा वापस सभागार में है, परदेश है। नहीं नहीं यही है। कहाँ है परदेश अध्यक्ष? ना ना वो कहाँ है? तो आपने देख लिया तेज प्रताप यादव को कि किस तरह से तेज प्रताप यादव आते हैं, गाड़ी का दरवाजा खुलते के साथ वो सीधा जगदानंद सर के दफ्तर में घुसते हैं और वहाँ पर जब वो जगदानंद सिंह उनको नहीं मिलते हैं उसके बाद वो उन्हें तलाश करने लगते हैं पूरे राजद दफ्तर के अंदर और उसके बाद फाइनली एक लोग आते हैं उनमें से और आकर कहते हैं कि जगदानंद अंदर ही हैं और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से तेज प्रताप जा रहे हैं और फिर अंदर में जाकर गुफ्तगू करना शुरू करते हैं। तो जगदानंद से मुलाकात करने तेज प्रताप यादव पहुंच चुके हैं, अब बात क्या होगी वो जब बाहर निकलेंगे तो खुद बताएंगे तेज प्रताप यादव। मगर जिस तरह से तेज प्रताप यादव बहुत दिनों के बाद खुद आरजेडी के दफ्तर में पहुंचे हैं तो क्यास कुछ भी लगाया जा सकता है। मगर यहां पर तेज प्रताप यादव एकदम कुर्ते पैजामे में गाड़ी से आते हैं, उनकी पीछे उनकी स्कॉट होती है, उतरते हैं और सीधा जगदानंद सिंह के दफ्तर में पहुंचते हैं। राजद का प्रोग्राम भी 17 तारीख को होना है और उससे पहले सारी तैयारियां भी चल रही हैं तो यहां पे तेज प्रताप यादव का यहां पहुंचना तेज़ी और गर्मी, मतलब राजनीति में तो गर्मी लाता ही है, यहां पर हलचल बढ़ गई है और तेज प्रताप यादव क्या बात करेंगे, क्या बातें होंगी, उस सबका इंतज़ार हमें और आप सबको है जब वो बाहर निकलेंगे। मगर तेज प्रताप यादव जिस अंदाज में घुसते हैं और खोज रहे होते हैं वो एकदम सभी वहाँ पे कर्मचारी खड़े होकर बैठे हुए जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव क्यों खोज रहे थे, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।